ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बड़ा ही पावन अवसर आने वाला है। हर तांत्रिक को इस रात का इंतजार रहता है। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। इस पावन बेला में कुछ ऐसे ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध होते हैं जो कि एक ही रात में काम कर जाते हैं। यदि मोहिनी सिद्ध करनी हो, वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, मारण करना हो, कोई भी कर्म आपको करना हो, तो दिवाली से बढ़कर और कोई रात्रि नहीं है। इस रात्रि में किया गया कोई भी अनुष्ठान शीघ्र फल प्रदान करता है। रात को कीजिए और सुबह असर देखिए। बहुत ही पावन बेला होती है और इसमें तांत्रिक लोग जो हैं वो पूरे साल उसका वेट करते हैं कि कब ये रात्रि आए और हम प्रयोग करें। तो जो भी साधक हैं, जो भी मेरे श्रोता हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई तंत्र दिया जाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी में सुधार हो, कुछ तरक्की हो, बंद दुकानें खुल जाएं, उनकी बंद पड़ा बिजनेस जो है वो चल पड़े, उन पर किया कराया टोना टोटका, आसे, भूत प्रेत ये सब हट जाए, किसी ने मुठकर नहीं कर दी हो, कोई द्वेष में आकर आपको बर्बाद करना चाहता हो और धमकियां दे रहा हो आपको। और मेरे पास बड़े ऐसे भी केस आते हैं जिसमें कि बहुत तबाही हो चुकी होती है, बस कगार पर होते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं एक तंत्र आज आपको बताऊँगा। ये तंत्र इतना प्रभावी है कि आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है। इस कवच को आपको क्या करना है कि हर साल इसको रिन्यू करना होता है। हर साल आपको ये बार बार करना होगा। मान लीजिए अगर आपने इस साल कर दिया तो अगले साल भी आपको इसको रिन्यू करना होगा, वरना ये कोई भी तोड़ सकता है। किंतु यदि ये कवच आप हर साल अपने ऊपर लगा लेते हैं तो कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सेवड़ा क्यों ना हो, वो आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। भैरव तंत्र का ये तंत्र जो है ये इतना प्रभावी है कि आपको मौत के मुंह से खींच लाएगा। मैंने देखा है कि कई लोग मुठकर नहीं कर देते हैं और वहाँ पर भी ये जो तंत्र है ये सटीक काम करता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको देखकर मुझे पता लग जाता है कि इन पर कोई तंत्र क्रिया की गई है। वो बोलते बाद में हैं, उससे पहले ही मुझे आभास हो जाता है कि इन पर जो है किसी ने काला जादू कर रखा है। और इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय है, बहुत सरल, इसे कोई भी कर सकता है। ये जो उपाय है ये हमारे पुश्तों से चला आ रहा है। आप सबसे पहले तो अपनी कुल देवी कुल देवता उनके बारे में जानिए। आपकी कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि जब भी कोई तंत्र या फिर मंत्र प्रयोग होता है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो वहाँ जाती है और उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में जानना शुरू करें। तो जो मेरे कुल देवता हैं वो हैं भैरव जी, और उन्हीं का एक तंत्र मैं आज आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, दिवाली की रात्रि में शुद्ध देसी घी से आपको पूड़े बनाने हैं। आटा लीजिए, उसमें गुड़ घोलिए, थोड़ा सा सौंफ डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए और इसका एक घोल बना लीजिए। इस घोल से आपको 7 पूड़े उतारने हैं। इन पूड़ों को उतार कर एक थाली में रख लें और ये सामग्री आपको दिवाली से पहले एकत्रित कर लेनी है। एक कोरी हांडी कहीं से प्राप्त करें। उस कोरी हांडी के ऊपर आपको 7 प्रकार के अनाज एकत्रित करके उसमें डाल देने हैं। अपने ही घर से किसी भी प्रकार के 7 अनाज जो हैं वो आपको उस हांडी में रखने हैं, कोरी हांडी में। और दिवाली की रात्रि में किसी चौराहे पर जाकर वो हांडी आपको रखानी है। इस हांडी का जो मुंह है वो लाल कपड़े से बंद करना है और मौली से आपको वो बांध देना है उसके किनारे पर।
सात गांठें आपको इसमें लगानी होंगी और ये तब करना होता है जब आसपास कोई ना हो। यदि ये क्रिया करते हुए कोई आपको देख लेता है तो समझिए आपका जो प्रयोग है विफल हो गया है। एकदम जब सुनसान हो जाए, रात के 1 बजे 2 बजे, जब भी बिल्कुल शांति हो, उस समय जाइए और इस टोने को कराइए। तो ये जो टोना है ये आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देगा। इस टोने को करना कैसे है, आपको जितने भी अनाज मैंने बताए 7 अनाज, इनको 7 बार अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार, 7 बार घुमाया एक अनाज डाल दिया, 7 बार घुमाया दूसरा अनाज डाल दिया, 7 बार घुमाया तीसरा अनाज डाल दिया। ऐसे कर करके 7 आपको अनाज इकट्ठे कर लेने हैं और उनको घुमा घुमा कर उस मटकी में डाल देना है। फिर एक लाल कपड़ा लेना है, उससे इसको बंद कर देना है और अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता से आग्रह करना है कि हे मेरे कुल देवता, जो भी उनका नाम हो आप वो ले सकते हैं, आपके इष्ट देव जो हो उनका नाम ले सकते हैं, और आग्रह कीजिएगा कि जैसे आपने पिछली साल मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरी रक्षा की, उसी प्रकार, उसी भली भांति मुझे इस साल भी रक्षा प्रदान करें, मेरे जितने भी दुखड़े हैं उनको हर लें और पग पग पर मेरा साथ दें। ऐसा कहते हुए आपको ये हांडी उन 7 पूड़ों के ऊपर रख देनी है और थाली को ले जाना है चौराहे पर। याद रहे, चौराहा होना चाहिए, तिराहा ना हो, दोराहा ना हो, चौराहा, जहाँ पर कि लोग आते जाते हों। लेकिन दिवाली की रात में आपको ये कर देना है और ये सुनिश्चित करें कि आपको कोई देखे ना। घर से निकलते हुए कोई देख ले कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में देख ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप ये लगा रहे हो चौराहे पे, उस समय कोई ना देखे। इसके बाद आपको पीछे आ जाना है, बिना पीछे देखे हुए आप हांडी रखिए और बिना पीछे मुड़े हुए आपको वापस आ जाना है चुपचाप। और सुबह तक आपका ये जो टोना है ये लग गया होगा। कई बार ऐसा भी होता था कि जब कभी किसी पर कोई काला जादू होता था, उसका उतारा होता था, ये किसी एक व्यक्ति की चीज़ किसी दूसरे पे डालने का भी ये माध्यम होता है। लेकिन हम इसमें आपको नहीं कहेंगे कि आप अपनी कोई बुरी शक्ति किसी और के ऊपर मर दें। तो ये जो है ये आपकी सुरक्षा का काम करेगा, आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई हानि ना आए, इसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। पूरी उम्र भर आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगा, बस हर साल आपको ये उपाय कर देना है। ऐसा उपाय करने से आपके जो पितृ दोष हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, आपके जो देवता हैं वो आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे कि कोई भी भेद नहीं सकता। ये अति प्राचीन है, मेरे पूर्वज जो हैं वो इसे करते आ रहे हैं और जिस किसी को इस तंत्र का पता है वो ता उम्र खुश रहता है, उसे हर चीज़ मिलती है जो उसे चाहिए और कभी भी किसी भी तरह का नफ़ा नुकसान नहीं होता, बस तरक्की ही तरक्की उसे मिलती रहती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको आपको हर साल करना होगा। अगर एक बार शुरू कर दिया तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर आपने एक साल कर दिया और अगली साल छोड़ दिया तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बार ये शक्ति जागृत हो गई तो इसको आपको भोग देना ही होगा। अगर किसी साल भोग नहीं मिला तो ये आप पर हावी हो सकती है, आपका अनिष्ट कर सकती है। तो वही लोग इसे करें जो कर सकते हों, जो निर्भीक हों कि रात में कहीं जा सकते हैं चौराहे पर और ये क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि इसको शुरू कर दिया गया तो इससे बंद करना मुश्किल है, ये बंद नहीं होती है। अगर आपके किसी पूर्वज ने एक शुरू किया और आपने इसको बंद कर दिया तो उसकी जो हानि है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो सबसे सलाह मशवरा कीजिए और उसके बाद इस तंत्र का प्रयोग कीजिएगा। कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी पर कोई ओपरी पराई छोड़ने के लिए इसका प्रयोग ना करें, तंत्र में ये सब वर्जित है। तो अपने आप को
बचाने के लिए कोई दूसरा कोई आप पर तंत्र प्रयोग कर रहा हो और आपको पता लग रहा हो, आप महसूस कर पा रहे हो, घर में कोई खटिया पकड़े हो, उठ ही ना रहा हो, कोई दवाई ना लग रही हो, तब ये प्रयोग किए जाते हैं। और इन प्रयोगों को हमेशा सभी की सम्मति के साथ करना चाहिए। यदि आप पूर्णतः चाहते हैं कि ये प्रयोग करना है तभी इसको कीजिएगा, क्योंकि इसमें एडवर्स इफेक्ट बहुत हैं। लेकिन यदि आप इसको हर साल करते हैं तो इससे बेहतरीन प्रयोग कोई नहीं होगा। ये आपको संपूर्ण ये जो जितने भी साले आप गुजारेंगे इस धरती पर उनको इतना सुगम कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके काम बनते चले जाएंगे। बस ये उपाय कर दीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए तो कॉल कर सकते हो 9992841625 पर। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। धन्यवाद।